कीप सर, मैं 220 किलोवाट जीएसएस से जुड़े कृषि फीडरों में काफी समय से बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। इसको लेकर परेशान किसानों ने जीएसएस के आगे जमकर नारेबाजी की और बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने ज्ञापन में कहा कि काफी समय से बिजली आपूर्ति उन्हें सुचारू रूप से नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उनके जीरा, सौंफ, सरसों की फसलों में काफी प्रभावित हुई है। साथ ही कम वोल्टेज, बार बार ट्रिपिंग, बिजली मिलने से कम समय का निर्धारित नहीं होने के कारण उनके कृषि उपकरण भी जल रहे हैं। साथ ही समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कृषि बिजली आपूर्ति को लेकर के जो काफी दिनों से लड़खड़ाई हुई है, समय पर बिजली मिल नहीं रही है, वो भी ट्रिपिंग के साथ कम वोल्टेज की वजह से मोटरें चल नहीं पा रही है। इस कारण से जो यहाँ का किसान इकट्ठा हुआ है और दो दिन में सुधार का आश्वासन दिया ही नहीं कि हम व्यवस्था करते हैं आपका, नहीं तो किसानों ने कहा कि हम अगर सुधार नहीं हुआ तो यहाँ आंदोलन करेंगे। बुआई का समय यहाँ 8-8, 10-10 दिनों से ट्रांसफार्मर जला हुआ, जो पावर ट्रांसफार्मर जला हुआ वो 8-10 दिन से आया और वो भी अभी बिजली जो मिल रही है वो ट्रिपिंग के साथ मिल रही है। इन मुद्दों को लेकर के यहाँ के जो 12-13 पिछड़ों के लोग किसान इकट्ठे हुए और इन्होंने यहाँ के सहायक अभियंता को ज्ञापन लिख करके दिया है कि अगर हमारा सुधार 5 दिन में नहीं होता है तो हम यहाँ आगे आंदोलन करें।